हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक वीडियो लेकर आ गई हूँ आप लोगों की डिमांड पर। बहुत से लोग मुझसे इंस्टा में और यूट्यूब में भी पूछते हैं कि मैम, आप रेगुलर अपनी स्किन पे क्या मतलब यूज़ करते हो, रेगुलर मेकअप मतलब जैसे आप क्या यूज़ करते हो। तो मैं यहाँ नहाई थी, मैंने अपना हेयर वॉश भी किया था, तो अभी हेयर मैंने टॉवल से बांधे हुए हैं ताकि जो पानी है सोख ले। तो मैंने कहा चलो, ये बहुत दिनों से आप लोग सब पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं अपनी स्किन पे रोज़ क्या मेकअप यूज़ करती हूँ। ऐसा कोई खास मेकअप यूज़ नहीं करती। ये जॉय की मॉइस्चराइजर क्रीम है। अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों वाली मॉइस्चराइजर क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, और गर्मियों में गर्मियों वाली मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करती हूँ। अदर्स इसके अलावा और ज़्यादा मैं कुछ ऐसा रोज़ रेगुलर में मेकअप यूज़ नहीं करती अपनी स्किन पे। और रेगुलर में क्या, मैं कहीं बाहर भी जाऊँ तो इतना कोई ख़ास मेकअप नहीं करती हूँ मैं। बस मेरा यही मेकअप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने मॉइस्चराइजर क्रीम लगा ली है जो है कि अच्छी सी, इससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड मुलायम रहती है, और जैसे ऑयली ऑयली सा हो जाता है ना, वैसा नहीं होता। मुझे ये क्रीम बहुत ही सूट करती है और अच्छी लगती है मुझे ये क्रीम, कि जिस तरह की और भी बाकी विंटर की जो क्रीम होती हैं तो उनसे क्या ना, एक ऑयलनेस आ जाती है स्किन पे। इससे ऐसा कुछ भी नहीं आता है, बहुत मतलब स्किन में ये हो जाती है, एकदम से मिक्सअप हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है, और कोई ऑयली पना नहीं रहता है, एकदम सॉफ्ट स्किन भी रहती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है। ये नहीं कि यहाँ लगाने के तुरंत बाद ही मतलब स्किन जैसे खिंचने लगती है ना सर्दियों में, आप जैसे समझ रहे होगे, तो वैसा कुछ भी नहीं होता। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है और मैं इसी को यूज़ करती हूँ, जॉय क्रीम को ही, मॉइस्चराइजर क्रीम को हमेशा, गर्मियों की हो या सर्दियों की हो, इसी ही यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तो मैंने हल्के हाथों से अपने फेस पर थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ उसको ऐसे लगाते हुए बस, और से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये है, ये भी जॉय का ही है, ये है सनस्क्रीम। ये सनस्क्रीम मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी ये दूंगी कि आप लोग भी सनस्क्रीम ज़रूर यूज करें। चाहे धूप में देखो जाओ या मत जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धूप में निकलना हो ही जाता है। और ज़रूरी नहीं है आप नहीं जा रहे हो तो नहीं लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सनस्क्रीम आप यूज कर सकते हो। तो ये भी मैं जॉय की ही सनस्क्रीम यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पर, और ये भी बहुत अच्छी है। आप कोई भी ले सकते हो, ये नहीं है कि आप जॉय की ही लो, आपको जो कंपनी मतलब जो सूट करती हो आपकी स्किन को, जो आपको अच्छा लगता हो आप वो यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, सनस्क्रीन आप यूज़ करो तो बहुत ही अच्छा है, इससे आपकी स्किन मतलब ये डल नहीं होती, कहीं भी बाहर जाओ धूल मिट्टी हर किसी चीज़ से बचाती है, और धूल मिट्टी तो घर में भी रहती है यार, हम घर में भी जितना भी साफ़ सफाई रखें पर फिर भी कहीं ना कहीं से डस्ट आ ही जाती है, कहीं ना कहीं गंदा हो ही जाता है, आप भी देखते हो। तो मैं बस रेगुलर में ये दो क्रीमें यूज़ करती हूँ, एक तो मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन, बस यही दो यूज़ करती हूँ और ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ मैं। रेगुलर हो या कहीं आना जाना हो, मैं यही यूज़ करती हूँ, अदर्स इसके अलावा मैं और कोई भी क्रीम अपनी स्किन पे यूज़ नहीं करती। बस क्रीम का तो यही है मेरा कि ये वाली यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने बोला था मैम आप बताओ, इंस्टा में भी मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज मैं कर रही हूँ तो बना देती हूँ। और ये है मेरी हल्की सी बस लिपस्टिक पिंक कलर की, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइजर मतलब पिंक कलर की नहीं है, थोड़ा डार्कनेस में जैसे लिप्स है ना उसी के कलर की होती है, मैं भूल गई कि पिंक कलर की, मेरे पास ऐसी पिंक कलर की भी है तो मुझे लगा पिंक कलर की मैंने लगाई थी, तो वॉइसिंग में बाद में दे रही थी ना, तो डार्क कॉफ़ी कलर है, कॉफ़ी कलर भी नहीं है, जैसे आपके लिप्स है ना उसी के अकॉर्डिंग, मतलब आपके नहीं जैसे मेरे लिप्स हैं मैं बता रही हूँ, लिप्स के अकॉर्डिंग उसी कलर की है, तो ये ऐसा नहीं है। तो और ये मेरी आईब्रो फिल पेंसिल है, बस इससे मैं अपनी आईब्रो फिल करती हूँ। आईब्रो फिल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही, यानी आज से मुझे शुरू से ही अपनी आईब्रो फिल करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मेरी आईब्रो अच्छी हैं, बहुत मुझे अच्छी लगती हैं, पर मैं थोड़ा सा इनको फिल ज़रूर करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी डार्कनेस आ जाती है, तो मुझे बहुत शौक है अपनी आईब्रो फिल करने का। और एक अपनी आंखों में काजल का, काजल तो शुरू से ही बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे लगाया है और शुरू से ही मैं लगाती आई हूँ, और मुझे काजल लगाना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं काजल ना लगाऊँ तो पता नहीं अजीब सी मेरे मतलब आंखों में खुजली सी या पानी सा आने लगता है, बट तो इसीलिए मुझे काजल की बस अब आदत पड़ गई है, कुछ भी समझ लो, मेरी मजबूरी हो या आदत समझ लो या मेरा शौक समझ लो, वैसे भी मुझे शौक है बस। वही हल्की सी रेगुलर छोटी सी बिंदी आपने देखा होगा मेरे हर वीडियो में,
हाँ इंस्टा पे भी लोगों ने देखा होगा या ऐसे भी यूट्यूब में भी देखा होगा, ये हमेशा रहती है। मुझे ज़्यादा बड़ी बिंदियाँ पसंद नहीं हैं, बाई चांस कभी लगा लिया कोई पार्टी या शादी वादी में तो लगा ली, वरना मैं हमेशा इसी साइज की बिंदी लगाना पसंद करती हूँ। और ये तो हर सुहाग का सिंगार है, सिंदूर, सिंदूर ज़रूर भरना होता है तो सिंदूर तो भरती ही भरती हूँ मैं नहाने के बाद हमेशा ही बस। और ये है मेरा काजल, वाटर प्रूफ काजल है ये मेरा, तो ये मुझे बस हमेशा यही काजल यूज़ करती हूँ, लॉन्ग लास्टिक है ये, बस एक बार ही लगाती हूँ, ये नहीं कि एनी टाइम लगाती हूँ, बस मैं नहाने के बाद एक ही बार यूज़ करती हूँ शाम तक, फिर मेरा यही चलता है, फिर नेक्स्ट डे लगाती हूँ। तो बस गाइस यही है मेरा रेगुलर का मेकअप, रोज का मेकअप आप लोगों ने देख लिया। आप लोग बहुत बोल रहे थे कि नहीं मैम बताओ आप क्या यूज़ करते हो अपनी स्किन पर, तो ऐसा कुछ खास यूज़ नहीं करती, जो नॉर्मली आप सब यूज़ करते हैं मॉइस्चराइजर क्रीम सभी सभी यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी कंपनी का हो किसी भी ब्रांड का हो सभी यूज़ करते हैं, बस ब्रांड अलग अलग होते हैं। तो मैं भी बस वही यूज़ करती हूँ, और सनस्क्रीन भी आई थिंक सभी यूज़ करते हैं, इस बारे में सभी जानते हैं, कुछ नया नहीं है बताने को। तो बस और मेरा बस यही काजल है, लिपस्टिक यही भी सब यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिसका जैसा शौक हो। और मुझे काजल थोड़ा डार्क लगाना डबल लेयर में पसंद है, थोड़ा आउटलाइन लगाती हूँ मैं, मुझे आउटलाइन काजल बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब लग रही है ठंड, अब मैं जाऊंगी टेरेस पे अपना सर सुखाने के लिए। तो यही मेरा मेकअप था गाइस हल्का फुल्का सा, तो कैसा लगा आपको, बस मैं यही यूज़ करती हूँ रोज़ में, और ये आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी न्यू है, और कमेंट करके मुझे बताइएगा गाइस, और अपना प्यार सपोर्ट साथ मेरे साथ बनाए रखिए, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, ऐड के साथ वॉच किया करें। और मेरे पिछले साड़ी वाले वीडियो पे आपने मुझे बहुत ढेर सारा अच्छा अच्छा प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, लव यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, सेफ्टी बरतें, बाय बाय, और खुश रहें और अपना प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बरसाते रहें, लव यू टू, बाय बाय।